शहर व जिले की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग जिला पुलिस द्वारा भिलाई शहर के छोटे बड़े होटलों में दबिश दी गई और वहां रहने वाले लोगों और स्टाफ की पूरी जानकारी जुटाई गई। साथ ही स्टाफ के आईडी कार्ड और स्टाफ की कार्य क्षमता को डेमोंस्ट्रेशन के लिए मापा गया। दुर्ग पुलिस द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक अभियान भिलाई शहर में बुधवार को चलाया गया, जिसके तहत शहर के सभी छोटे बड़े होटलों में दबिश देकर वहां ठहरे लोगों की जानकारी ली गई और उनके कमरों को भी पुलिस विभाग द्वारा तलाशा गया। साथ ही बड़े होटलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई, यदि आग लग जाए तो अग्निशमन यंत्र चला सकते हैं या नहीं, जिस पर होटल के एक महिला कर्मचारी ने तत्काल दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष डेमोंस्ट्रेशन दिया और अग्निशमन मशीन को चलाकर दिखाया। इन कार्रवाइयों के दौरान जहां सीएसपी छावनी कौशलेंद्र पटेल उपस्थित थे, तो वहीं बड़े होटलों की तफ्तीश करते समय दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव स्वयं उपस्थित रहे। इस कार्रवाई के बाद दुर्ग जिला पुलिस विभाग भिलाई शहर के पत्रकारों से रूबरू हुए और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी और पत्रकारों से जाना कि और बेहतर पुलिसिंग के लिए क्या किया जा सकता है। पुलिस पत्रकार मिलन समारोह में पहले वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ की गई। काफी देर तक चली चर्चा में पत्रकारों ने पुलिस को बहुत से बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर पुलिस विभाग ने भी हामी भरते हुए आगे बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत आज जिले भर के जितने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, लॉज, फराय सबकी चेकिंग कराई गई और वहाँ पर देखा गया कि आईडी कार्ड, आईडी कार्ड रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, जो लोग आगंतुक आ रहे हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, नकाशी जो एग्जिट रूट है कि नहीं, इमरजेंसी ड्रिल कराया गया, मॉडल कराया गया। उसी तारतम्य में होटल आसिफ इंटरनेशनल में पत्रकारों के साथ एक संवाद भी रखा गया, जिसमें दुर्ग पुलिस में जो ये चल रही है, जो खामियां सजेशन वो आमंत्रित किए गए और पत्रकार बंधुओं की तरफ से काफ़ी सारे सुझाव आए जिस पर उसको अमल करने की हमारी आगे कोशिश रहेगी। दस तारीख को इंटरनेशनल फाइट प्रिवेंशन डे है, उस तारतम्य में हम लोगों ने जो हमारा 112 का जो हेल्पलाइन है वहाँ पे जो भी आदमी परेशान है, जिसको आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, उनके घर वाले या वो खुद उन पर कॉल कर सकते हैं। तुरंत 112 से उनको रेस्क्यू किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। और फाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, तो यंग लोग जाने जा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल अवेयरनेस अभी जो है सितम्बर के माह में कराया जाएगा। गौरतलब है कि जब से दुर्ग पुलिस अधीक्षक की कमान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने संभाली है, तब से भिलाई शहर में बदमाशों के मन में भय जागा है और वहीं शहर की जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन पर प्रगाढ़ होता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।